नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर में एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। ये डिज़ाइन टू रो रिपीटेड डिज़ाइन है और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ प्रोजेक्ट में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये डिज़ाइन 4 के मल्टीपल फंदों में बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन सामने की तरफ से बनेगा, तो बॉर्डर बनाने के बाद आप ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और दो फंदा सीधा बनेंगे, एक और दो। नेक्स्ट दो फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब दो फंदों में से पहले फंदे को हम लेंगे और वापस सीधा बना लेंगे। तो हमने दो फंदों से दो फंदे बना लिए। नेक्स्ट दो फंदे हम सीधा बुनेंगे, फिर अगले दो फंदे लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब दूसरा वाला फंदा गिरा देंगे और पहले फंदे में एक और सीधा फंदा, तो ये दो फंदों से वापस दो फंदे हो गए। नेक्स्ट दो फंदे सीधा बुनेंगे, अगले दो फंदे लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब दूसरे वाले फंदे को गिरा लेंगे और पहले फंदे से एक बार और सीधा फंदा, तो देखिए दो फंदे से वापस दो फंदे हो गए। नेक्स्ट अगले दो फंदे सीधे, तो इन्हीं चारों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदों से दो फंदा बनाना है, और अगले दो फंदे सीधे बनने हैं। दो फंदों से डिजाइन बनेगा और दो फंदे सीधे बना लेते हैं। दो फंदे लेंगे, बैक लूप से दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, दूसरा वाला फंदा गिरा देंगे और पहले वाले फंदे में वापस बैक लूप से एक सीधा फंदा, और लास्ट में तीन फंदे बचे हैं तो तीनों को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कंप्लीट होता है, डिजाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और दो फंदे उल्टा बुन लेंगे। ये दो फंदे जो हमने सिंपल उल्टा बुने थे वो फंदे हैं, और अगले दो फंदे ये डिज़ाइन वाले फंदे हैं। तो डिज़ाइन वाले फंदे में पहले फंदे को हम छोड़ देंगे और दूसरे वाले फंदे को पहले हम बुन लेंगे उल्टा, और फिर पहले वाले फंदे में उल्टा बुनेंगे। दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये अगले ये दो फंदे डिज़ाइन वाले फंदे हैं, तो पहले फंदे को हम छोड़ देंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, और उसके बाद अब पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, और जो नॉर्मल और दो फंदे जो हमने नॉर्मली सीधे बुने थे उसे पीछे से भी सिंपली उल्टा बुन लेंगे। अब ये दो फंदे वो फंदे हैं जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया था, तो बैक साइड से भी इसमें डिज़ाइन बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को उल्टा, और दो सिंपल फंदे जो हमने सामने से सीधे बुने थे उसे रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। और इन दो फंदों में डिज़ाइन बनाया था, तो पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को उल्टा बनाएंगे।
नेक्स्ट दो फंदे उल्टे, ये डिज़ाइन वाले फंदे हैं, ये दो डिज़ाइन वाले फंदे हैं, तो पहले हम दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर दो फंदे सिंपली उल्टा, ये दो फंदे डिज़ाइन वाले फंदे हैं, तो इसमें पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, और ये लास्ट के तीन फंदे हैं जिन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह ये हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट होता है। अब डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब ये दो फंदे वो फंदे हैं जो हमने सीधे बुने थे, तो इस लाइन में डिज़ाइन दो फंदा आगे आ जाएगा और इन दोनों फंदों को अब इन दोनों फंदों पे डिज़ाइन बनेगा, तो इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब दोनों फंदों को गिराएंगे और पहले वाले फंदे को उठा के फिर इस फंदे में वापस एक सीधा फंदा बनाएंगे, तो हमने दो फंदों से वापस दो फंदे बना लिए और ये दो डिज़ाइन वाले फंदे हैं, तो इन दोनों को इस लाइन में नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। ये दो फंदे पहली लाइन में इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुना था, तो तीसरी लाइन में इन दोनों फंदों पे डिज़ाइन बनेगा, तो दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब दूसरे वाले फंदे को गिरा लेंगे और पहले वाले फंदे को उठाएंगे और फिर इसमें बैक लूप से एक और सीधा फंदा, तो दो से हमने दो फंदे बना लिए। नेक्स्ट दो फंदे हम सिंपली सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदे ये प्लेन वाले फंदे हैं, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर दोनों फंदों को गिराएंगे, पहले वाले फंदे को उठाएंगे और फिर वापस एक और सीधा फंदा बैक लूप से। नेक्स्ट दो फंदे उन्हें हम सीधा बुन लेंगे, तो इन्हीं चारों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। ये पहले लाइन का ही डिज़ाइन है, बस डिज़ाइन दो फंदा आगे आ गया है। पहली लाइन में जो हमने दो फंदे सीधे बुने थे, तीसरी लाइन में उन्हीं दोनों फंदों पे डिज़ाइन बनेगा और दो डिज़ाइन वाले फंदे वो अब की सीधे बुने जाएंगे, तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली जाएगी। अब ये दो फंदे पहली लाइन में सीधे बुने गए थे, तो तीसरी लाइन में इन्हीं दोनों फंदों पे डिज़ाइन बनेगा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे और डिज़ाइन का फोर्थ रो और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद इन दोनों फंदों पे डिज़ाइन बना था, तो पहले हम दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, उसके बाद पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और अगले दो फंदे इन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। ये डिज़ाइन वाले फंदे हैं, देखिए इस पर डिज़ाइन बना था, तो इस लाइन में पीछे से भी इसमें डिज़ाइन बनेगा और पहले फंदे को हम बाद में बुनेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को बुनेंगे, तो पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुन लिया, अब पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट दो फंदे उसे हम उल्टा बुनेंगे, पहले दूसरे वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर पहले वाले फंदे को उल्टा, नेक्स्ट दो फंदे सिंपली उल्टा, ये डिज़ाइन वाले फंदे हैं, तो इसमें पहले दूसरे वाले फंदे को बुनेंगे और फिर पहले वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे और नेक्स्ट दो फंदे उन्हें हम सिंपली उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह करते हुए हम चौथी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। तो मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा पैटर्न आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.